गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अमित फिर से आपके अपने चैनल वेबसाइट मेकर किंग में स्वागत करता हूँ। व्यूअर्स, जैसे कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को कस्टम पोस्ट टाइप के बारे में बता रहा हूँ, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करा रहा हूँ, कैसे कस्टम पोस्ट टाइप बनाते हैं, ठीक है, कैसे उसको स्पेसिफिक पेज पे गेट करते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह सारा कुछ वन बाय वन स्टेप के साथ आपको बता रहा हूँ। कैसे हमें एडमिन में कैटेगरी शो करानी है, कैसे कैसे कस्टम पोस्ट टाइप यूआई प्लगइन का यूज़ करना है, इतनी बारीकी से मैं आप लोग को सारी की सारी चीज़ें बताया हूँ अब तक। तो यदि अभी तक मेरी पिछली वीडियो को आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे पीछे वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। उससे क्या है कि जो मैं आप बताऊंगा वो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो पिछले वीडियो में यदि आप हमारे देखोगे तो उसमें मैंने बताया था कि भाई अब तो हमारी जो है, जो भी हमारी डाटा है, ठीक है, वो हमारी डिस्प्ले हो रही है, ठीक है, इमेज वगैरह सब मैंने डिस्प्ले करा दिया था। अब तो ये भाई है कि हमारी जो है कस्टम पोस्ट टाइप डिस्प्ले हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि हमारी जो है कस्टम पोस्ट टाइप की जो है कैटेगरी डिस्प्ले हो, ठीक है। मैंने तो कस्टम पोस्ट टाइप अपना डिस्प्ले यहाँ पे करा लिया सारा कुछ। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ नीचे ना जो है हमारी कस्टम पोस्ट टाइप की जो भी कैटेगरी है जो हमने यहाँ पे बनाया है, ये सारी की सारी कैटेगरी जो है दिखे, ठीक है। तो एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया है, जब आप अपना कस्टम पोस्ट टाइप आप बनाए मतलब बनाते हो, बनाने के बाद जब आप उसको कैटेगरी असाइन करते हो, ठीक है, तो मेरी पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है, तो आपको ऐसा लेआउट आता है, ठीक है, यहाँ से आप ऐड वगैरह करते हो, ठीक है जी। लेकिन सारा कुछ आप को यदि मतलब ये चीज़ें मतलब और मतलब चाहते हो कि और अच्छे समझ में आए, तो जब आप ना किसी भी टैक्सनोमी मतलब किसी भी कैटेगरी को मतलब पोस्ट टाइप की कैटेगरी को यदि आप एडिट करते हो या किसी भी पोस्ट को एडिट करते हो ब्रदर, तो आप लोग को ना यूआरएल में ज़रूर चेक करना। यूआरएल जो होता है ना भाई, ये सारा कुछ बोल देता है कि भाई क्या हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ कैसे काम कर रही है, कौन चीज़ कैसे काम कर रही है, इसका क्या मतलब, सारा कुछ आपका यूआरएल बोल देता है। तो यदि जब भी आप कभी ना वर्डप्रेस में कस्टम कोडिंग वगैरह कर रहे हो व्यूअर्स, तो प्लीज़ आप लोग यूआरएल पर जरूर ध्यान देना, आधा काम आपका यहीं से बन जाएगा। अब देखिए, आपने जब मारुति कैटेगरी पे आप गए हो, ठीक है, मारुति कैटेगरी पे गए हो तो आपको यहाँ पर देखोगे कस्टम पोस्ट टाइप तो कार है, मतलब जो है आपकी माई कार की जो कस्टम पोस्ट टाइप है वो कार है, और उसकी जो टैक्सनोमी क्या है ये मारुति है, ठीक है। अब कैसे मारुति है, तो आप जब जब आप बनाए होगा टैक्सनोमी, तो जब आप उसको एडिट करोगे, जैसे देखो आप यहाँ पर चले जाओगे, यहाँ से जाके मेरी पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है, तो वहाँ पर जब आप एडिट करोगे तो स्लग जो होता है ना, ये जो स्लग होता है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये स्लग है, तो आपने टैक्सनोमी में जो क्या किया है, आपने टैक्सनोमी में क्या दिया है, आपने टैक्सनोमी में स्लग दिया है, ठीक है, यही स्लग जो है यहाँ पे आ रहा है। आपने यहाँ पे सिर्फ मारुति कार यदि दिए रहते तो यहाँ पे ये जो है मारुति कार यहाँ पे आती, लेकिन आपने स्लग में पास किया है मारुति, तो सिर्फ ये मारुति आ रही है। उसी तरह आपने स्लग में जब कस्टम पोस्ट आपने बनाया होगा ना, तो आपने स्लग में कार पास किया है, इसलिए यहाँ पे स्लग में कार मतलब पोस्ट टाइप में कार दिख रहा है, तो जो स्लग होता है ना वही दिखता है, ठीक है जी, इतना समझ में आ गया आपको। दूसरी बात कि अभी जब आप एडिट करोगे अपने, मान लो इसी को आप एडिट करते हो, ठीक है, जब आप एडिट करते हो तो यहाँ पे कोई इमेज नहीं आ रही है, ठीक है। तो जब जब हम कोई भी मतलब अपनी कस्टम पोस्ट टाइप की कैटेगरी को गेट कर रहे हैं, मतलब टैक्सनॉमी को गेट कर रहे हैं, तो आप देखे होंगे वहाँ पे जो है इमेज भी रहती है, ठीक है, तो वो इमेज कैसे आएगा, ठीक है, वो इमेज कैसे डालोगे, पहले तो मैन्युअली जो है आप एक प्लगइन का यूज करोगे, उस प्लगइन का यूज करके आप जो है अपने कस्टम पोस्ट टाइप टैक्सनोमीज की मतलब कस्टम पोस्ट टाइप की जो भी कैटेगरी है मतलब टैक्सनोमीज है, उसके अंदर आप जो है एक इमेज डालने की फंक्शनलिटी ऐड करोगे। तो उसके लिए यदि आप सिंपल जाओगे गूगल पे तो आप लिख दोगे टैक्सनोमी इमेज प्लगइन, तो आपको मिल जाएगा। तो ये प्लगइन आपको मिलेगा, मतलब ये देखो मतलब ये जो प्लगइन है बहुत ही अच्छा प्लगइन है, ठीक है, और दूसरी बात है कि ये आपके करंट वर्जन के साथ जो वर्डप्रेस चल रहा है उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, कैपेबल है, ठीक है, ओके। तो
ये चीजें देखनी पड़ती है। तो बहुत सारी आपको मतलब मिल जाएंगी, आप कोई भी टेक्सोनॉमी कैटेगरी की इमेज वाली कोई भी प्लगइन आप यूज कर लेना। लेकिन यदि आप ये यूज करोगे तो आपको अच्छा पड़ेगा, क्योंकि मैं इसी पे मतलब वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग को किसी भी तरह की डाउट्स नहीं होंगे। बाकी आप कोई भी टेक्सोनॉमी की प्लगइन यूज कर सकते हो, बाकी लॉजिक सेम रहेगा, ठीक है। तो ये बता रहा है कि मतलब इस प्लगइन को आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट कीजिए, ठीक है, और उसको कैसे कॉल कराना है ये भी आपको बता रहा है, ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले हम इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैंने इस प्लगइन को ऑलरेडी जो है अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा है, यहाँ पे अभी किया है, अभी देखिए यहाँ पे सर्च करके किया है, बस इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको एक्टिवेट करूंगा तो ये क्या करेगा कि जो भी हमारी टेक्सोनॉमीज है, मतलब जो भी हमारी कस्टम पोस्ट टाइप की कैटेगरी है, ठीक है, वहाँ पे जो है एक इमेज ऐड करने की फंक्शनैलिटी हमें दे देगा। अभी नहीं है ना, अभी देखिए, अब जैसे आप यहाँ पे रिलोड करोगे तो यहाँ पे एक इमेज इमेज ऐड करने की फंक्शनैलिटी दे देगा। तो अभी आपने रिलोड किया तो आपको मतलब यहाँ पे नहीं दिया, तो क्यों नहीं दिया? क्योंकि जब आप कोई भी प्लगइन यूज करते हो ब्रदर, तो उसके अंदर कुछ सेटिंग्स भी होती हैं, वो सेटिंग्स भी करनी पड़ती है, ठीक है। उस प्लगइन को बताना पड़ता है कि भैया कौन से मतलब पेज पे क्या करना है, या किस ये मैं से कैटेगरी की प्लगइन है। तो आप इस प्लगइन की सेटिंग में जाके बताओ कि ये जो ऑप्शन ये जो दिख रहा है, मतलब ये फंक्शनलिटी जो भी ऐड होगी वो कौन से टेक्सोनॉमीज के लिए ऐड होगी, कौन से कस्टम पोस्ट टाइप के लिए ऐड होगी, ठीक है। जनरली यही होता है, यदि आप प्लगइन एक्टिवेट करके उसकी सेटिंग को भी सेट किया जाता है। तो हमने इसकी सेटिंग को सेट नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पे रिलोड करने पर वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो चलिए फटाफट हम जो है इसकी सेटिंग को सेट कर लेते हैं। तो जब सेटिंग पे आप ऐसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे टेक्सोनॉमी दिख जाएगा। जनरली देखिए आपको जो है सेटिंग पे ही मिल जाएगा, नहीं तो टूल्स के अंदर मिल जाते हैं, ये दो जगह मिल जाते हैं, ठीक है। और नहीं तो यदि आप डायरेक्ट यदि उस प्लगइन को एक्ट कोई कोई प्लगइन ऐसे होती है जो डायरेक्ट एक्टिवेट करने के साथ ही सेटिंग की ऑप्शन दे देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो क्लासिक एडिटर जो है आपको डायरेक्ट एक्टिवेट किए हो तो आप यहाँ पर सेटिंग की ऑप्शन आपको दे दे रहा है, ठीक है। लेकिन यही जो है कैटेगरी यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। तो जनरली जो है टूल्स के अंदर होती है, सेटिंग के अंदर होती है। तो सेटिंग के अंदर हमने देख लिया भैया टेक्सोनॉमी मतलब एक इमेज नाम का जो है ऑप्शन मैंने हम लोग को दिख रहा है, यही जो है इस कैटेगरी की कैटेगरी एंड टेक्सोनॉमी इमेज की सेटिंग है, ठीक है व्यूअर्स। तो चलते हैं, इसे जो है हम क्या करते हैं कि इसे सेटिंग में जाके पहले इसको ओपन करते हैं। जब आप ओपन करोगे तो ये देखिए आपको पूछ रहा है कि भैया प्लीज सेलेक्ट द टेक्सोनॉमी यू वांट टू इंक्लूड, WP कस्टम टेक्सोनॉमी इमेज। आप किस किस पोस्ट के साथ मतलब आप इस फंक्शनलिटी को ऐड करना चाहते हैं, किस पोस्ट के साथ आप टेक्सोनॉमी में इमेज ऐड करना चाहते हो। तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस का है, ये करोगे तो आ जाएगा, ठीक है, ये पोस्ट पे भी दिखने लगेगा। लेकिन हमें जो है बेसिकली कस्टम पोस्ट टाइप के लिए काम करना, तो हमने एक अपनी जो है टेक्सोनॉमी बना रखी है, ठीक है, मतलब बोले तो टेक्सोनॉमी बोले तो कैटेगरी बना रखी है, ठीक है। देखिए मैं बार बार क्यों आप लोग को टेक्सोनॉमी भी बोल रहा हूँ, कैटेगरी भी बोल रहा हूँ, ताकि ना कोई भी ना टेक्सोनॉमी और कैटेगरी के बीच आप लोग की कोई भी ना मतलब एक एक जरा सा भी मतलब वो ना रहे, डाउट्स ना रहे, ठीक है। टेक्सोनॉमी बोले तो कैटेगरी है, ठीक है, यदि मैं बोलूँ टेक्सोनॉमी करूँ तो फिर आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने दोनों वर्ड बार बार यूज कर दे रहा हूँ, ठीक है व्यूअर्स, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, ओके। तो जो भी हमारी टेक्सोनॉमी है तो हम उस पर असाइन कर लेते। तो हमने मारुति पर सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने बाद इसको हमने सेव कर लिया। अब ये जो है फंक्शनैलिटी मतलब टेक्सोनॉमी इमेज की वो हमारे कैटेगरी पर शो हो जाए होने लगेगी। अब जैसे हमने रिलोड करेंगे यहाँ पे तो आप देखोगे यहाँ पे एक इमेज आ गया है, इमेज इमेज ऐड करने की जो है आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखने लगी, पहले नहीं दिख रही थी। जैसे आपने यहाँ पर सेटिंग किया तो इमेज की ऑप्शन आपको दिखने लगी, ठीक है व्यूअर्स, ओके। तो चलिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारी है मारुति 800, इसको एडिट करते हैं और यहाँ पे जाके इमेज मतलब असाइन कर लेते हैं। तो इसके लिए जो है ये डायरेक्ट जो है नहीं लेगा, इसके लिए आपको URL वहाँ पे जो भी इमेज का है तो मीडिया में जाइएगा। मीडिया में जाने के बाद जो भी आपका इमेज लेना है, जैसे कि हमें ये लेना है, तो अब इसकी कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी क्लिक कर लीजिएगा, कॉपी URL टू क्लिपबोर्ड, ऐसे करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे जाके आप पेस्ट कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर पेस्ट करके सेव कर दोगे ऐसे, तो ये जो है इमेज जो है आपकी मारुति 800 कैटेगरी के साथ असाइन हो जाएगी,
ठीक है, मारुति 800 कैटेगरी के साथ असाइन हो जाएगी। जब आप इसको एडिट करोगे तो मारुति 800 आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको गेट करूंगा, कस्टम कोड के थ्रू गेट करूंगा, तो ये इमेज भी वहां पे कैटेगरी के साथ डिस्प्ले होगा, ठीक है। उसी तरह स्विफ्ट पे करते हैं जी, स्विफ्ट पे करने के बाद जो है क्या करते हैं कि एडिट करते हैं स्विफ्ट को, और यहाँ पे भी कोई ले लेते हैं इमेज। तो इमेज आई थिंक हमने खोला हुआ है, तो जाते हैं स्विफ्ट पे, कोई भी ले लेते हैं, ये स्विफ्ट है, तो इसकी इमेज कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसके नीचे रख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने दो कैटेगरियों के लिए जो है इमेज ले ले लिया है, और बाकी जो है ये वैगनार कार की इमेज, मतलब एक कैटेगरी के लिए मैं इमेज नहीं ले रहा हूँ, मतलब एक टेक्सोनॉमी के लिए मैं इमेज नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। वो इसलिए नहीं ले रहा हूँ ताकि आप लोग को, मतलब जो मैं कस्टम कोड के थ्रू उसको गेट करूँ, तो आप लोग समझ सको कि कौन से में हमने इमेज क्या लिया है क्या नहीं लिया है। जिसमें हमने इमेज नहीं लिया उसमें इमेज नहीं आएगी, जिस टेक्सोनॉमी में हमने इमेज ऐड किया है वहाँ पर इमेज आएगी, ठीक है जी। तो ये तो रहा भाई इस प्लगइन का यूज करके हमने अपने टेक्सोनॉमी पे जो है इमेज की फंक्शनलिटी ला दी, मतलब इमेज ऐड करने की सेटिंग ला दिया, ठीक है जी। अब ठीक है, अब इसका काम बस इतना हो गया, इंस्टॉल कर दिए, वो ला दिया, सेटिंग कर दिए, अब इसका काम रहेगा इतना गेट करने का, ये हम आगे मतलब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है ये है कि जब आप मतलब टेक्सोनॉमी की डाटा को गेट करना चाहते हो, जब कस्टम पोस्ट है कैटेगरी को गेट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, वो होता है गेट टर्म्स। मतलब गेट टर्म्स जो है वर्डप्रेस का प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है, जिसका यूज करके हम टेक्सोनॉमी के डाटा को गेट करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक पेज पे, स्पेसिफिक टेम्पलेट पे, जहां आपका दिल करे वहां पे हम गेट टर्म्स का यूज करके, ठीक है, गेट टर्म्स का यूज करके जो है हम कस्टम पोस्ट टाइप की टेक्सोनॉमी को या किसी भी कैटेगरी को हम अपने डिजायर लोकेशन पे या जहां हम चाहते हैं वहां पे हम गेट कर सकते हैं। कैसे गेट करते हैं सारा का सारा चीज मैं इसी वीडियो में आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। बस यही कहूंगा, यदि अभी तक मेरी मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी वीडियो को प्लीज भाई लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखा कीजिए, ठीक है। ओके, जो मेरी सिस्टर देख रही हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि शुरू से लेके अंत तक देखा करें, क्योंकि जब आप शुरू से लेके अंत तक देखोगे तो आपको मेरे से भी क्वेश्चनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ना किसी दूसरे से क्वेश्चनिंग करने की जरूरत पड़ेगी। सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप सारा का सारा प्रॉब्लम जो आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है, जो आपको आएगा वो ऑटोमेटिक आप खुद ही फिक्स कर लोगे मेरे वीडियो देख के, कहीं दूसरे जगह जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके लिए क्या है कि पूरी डेडिकेशन के साथ जो मैं बोलता हूँ उसको फॉलो कीजिए और शुरू से लेकर अंत तक मेरा वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। तो गेट टर्म्स जो है वर्डप्रेस का प्री डिफाइंड फंक्शन है, बस इतना याद रखिएगा कि गेट टर्म का यूज करके हम कैटेगरी को गेट करते हैं, ठीक है। तो गेट टर्म्स आप लिखिए, आपको आर्टिकल मिल जाएंगे, तो कोई भी एक आर्टिकल जो पहले आते हैं, आपको पता है जो पहले रैंकिंग में है वो आर्टिकल बढ़िया होता है, गूगल उसको रिकमेंड करता है, इसलिए वो पहले पर दिखता है, तो पहले आर्टिकल को जनरली लोग खोलते हैं और आप भी खोलिए। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे व्यूअर्स, तो आपको क्लिक करोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा कि गेट टर्म्स, ठीक है, गेट टर्म्स बोलेगा, मतलब गेट टर्म्स लिखे, और यहाँ पर बता रहा है रिट्राइव द टर्म्स इन गिवन टैक्सोनॉमी और लिस्ट टैक्सोनॉमीज, ठीक है जी। रिट्राइव मतलब गेट करने के लिए, कैटेगरी को गेट करने के लिए या किसी टैक्सोनॉमी को गेट करने के लिए हम गेट टर्म्स का यूज करते हैं, ठीक है। इसके पैरामीटर क्या होते हैं, गेट टर्म्स के अंदर पैरामीटर क्या हो सकते हैं, एरे होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं, आपकी जो आर्गुमेंट की एरे मतलब एरे होती हैं, ठीक है, और एरे स्ट्रिंग होते थे, और ये इसके बाद डिप्लीकेटेड हो गया, मतलब अब इसका यूज नहीं होता है। तो जनरली आप समझ लो आपका काम बस इतना ही है, ठीक है। और इसके बारे में जब फर्दर वगैरह आप पढ़ोगे तो आपको देगा कि देखिए गेट टर्म्स यूज कर लिया, इसके बाद पोस्ट टैग, फिर एरे, ठीक है। हाइड इंपटी क्या होता है, हाइड इंपटी यदि आप ट्रू कर दोगे तो क्या होगा कि जो भी मान लीजिए जैसे कि आपके मल्टीपल मतलब आपने कैटेगरी बनाई है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे कि हमने तीन कैटेगरी बनाई, उसी तरह यदि आप कैटेगरी बनाए रहोगे और जिस कैटेगरी में कोई चीज कोई कोई मतलब आर्टिकल असाइन नहीं रहेगा, कोई कोई जो क्या बोलते हैं कि जो कंटेंट आप दे रहे हो, कंटेंट जो बना रहे हो, ठीक, आर्टिकल लिख रहे हो तो उसमें कैटेगरी ऐड करते हो, यदि यदि कोई कैटेगरी में यदि कोई कंटेंट भी नहीं रहेगा,
ठीक है, तो वो भी आपको मतलब दिखने लगेगा। लेकिन यदि आप उसको क्या करोगे कि हाइड इम्पर्टी फॉल्स कर दोगे, तो जब तक आपके उस कैटेगरी में कोई आर्टिकल ऐड नहीं होगा, कोई कंटेंट ऐड नहीं होगा, तब तो वो डिस्प्ले नहीं होगा। एक बार आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। यदि आप हाइड मतलब रखोगे, हाइड इम्पर्टी ट्रू कर दोगे, तो इसका मतलब है कि सारे की सारी मतलब कैटेगरी हमें दिखाओ, चाहे उसमें डाटा हो या ना हो। यदि हाइड इम्पर्टी आप फॉल्स रखते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें वही कैटेगरी दिखाइए जिसके अंदर कुछ डाटा हो, जिसके अंदर कोई आर्टिकल असाइन किया गया हो। ठीक है व्यूअर्स, तो चलिए। और उसके बाद यदि आप इसको और डिटेल में देखना चाहते हो, तो यदि आप पढ़ोगे, तो पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर लिखेगा द टर्म्स। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, तो आपको ये पेज खुल जाएगा, और इसमें जो है वो टर्म्स से रिलेटेड सारी की सारी बातें आपको बताएगा। ठीक है, रिट्राइव द क्यूरी रिजल्ट, टर्म्स का यूज होता है रिट्राइव द क्यूरी रिजल्ट को गेट करने के लिए। हम जो है गेट टर्म्स का यूज करते हैं। द टर्म द रिटर्न टाइप वेरीज डिपेंडिंग डिपेंडिंग ऑन वैल्यू पासेस आर्गुमेंट। जो भी आर्गुमेंट अभी आप पास करते हो यहाँ पे, ठीक है, आर्गुमेंट ये जो आप बना रहे हो ना ब्रदर, ये आपकी आर्गुमेंट है। ठीक है, ठीक है, इसी को आर्गुमेंट कहते हैं। ठीक है जी, जो एरे आप बनाए हो, इसी को आर्गुमेंट करते हैं। यहाँ पे आपने आर्गुमेंट को पास किया है, ठीक है जी, न्यू क्यूरी से यूज किया। पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप लोग, भूलिएगा मत। ठीक है, यही बता रहा है। उसके बाद जो है आप और पढ़ोगे, तो आपको बता रहा है कि द फॉलोइंग रिजल्ट इन एरे डब्ल्यू पी टर्म्स ऑब्जेक्ट बीन रिटर्न। जो डब्ल्यू पी टर्म्स ऑब्जेक्ट रिटर्न क्या करता है, ऑल करता है, ऑल विथ ऑब्जेक्ट आईडी करता है। द फॉलोइंग रिजल्ट स्ट्रिंग बीन रिजल्ट काउंट होता है। द फॉलोइंग रिजल्ट एरे टेक्स्ट स्ट्रिंग ब्लिंक टर्न, मतलब आप आईडी नेम स्लग नेम के थ्रू भी आप मतलब आप वैल्यू को रिटर्न करा सकते हो। ठीक है, तो सारा कुछ आपको को बता रहा है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्यूरी भी वगैरह भी दे रहा है। ठीक है, तो चलिए फटाफट आप कोडिंग की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि हमारी ये टेम्पलेट है, आपको आपको पता ही होगा कि जो हमारी ये टेम्पलेट है, ठीक है, हमने पिछले वीडियो में टेम्पलेट बनाया था। ठीक है, टेम्पलेट नेम डिस्प्ले स्पेसिफिक सीपीटी कस्टम पोस्ट टाइप। ठीक है, अब इसी के नीचे जो है यहाँ पे ये जो है हमारी लूप, आप देखोगे ये लूप हमारी कस्टम पोस्ट टाइप की, ये जो लूप चल रही थी, ये लूप जो है हमारी क्लोज हो गई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ताकि हम लोग को पता चले, हियर कस्टम पोस्ट टाइप लूप क्लोज। ठीक है जी, ओके। अब एक कमेंट के साथ लिखते हैं, हियर गेटिंग Here getting taxonomy here getting taxonomy taxonomy text here getting text to taxonomy। ठीक है, taxonomy बोले तो कैटेगरी कैटेगरी। मेरे कुछ कीबोर्ड थोड़ा सा हार्ड चल रहे हैं, बाई फोर्स करना पड़ा तब टाइप कर रहा है, तो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप इग्नोर कर देना। कोड का मिस नहीं होगा, कोई भी मिस्टेक नहीं तो चलेगा नहीं। बाकी यदि मैं सिंटेक्स वगैरह बना रहा हूँ तो कोई मिस्टेक होगा तो प्लीज ब्रो इग्नोर कर देना, ठीक है, क्योंकि मेरे ना कुछ कीबोर्ड काम नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये बताया है कि करना क्या है। तो सबसे पहले जो है आपको गेट मतलब टेक्सोनोमी गेट करना है, मतलब कैटेगरी गेट करना है, तो गेट टर्म्स को आपको यूज करना है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, ऐसे भी है आर्गुमेंट में, आप जो यहाँ पे आर्गुमेंट आप बनाए हो ब्रदर, इसमें भी आप ये पास कर सकते हो, ये फील्ड टेक्सोनोमी, और यहाँ पे कैटेगरी नाम दे सकते हो, ये भी काम करेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरह की किसी भी जो बिगनर्स हैं उनको कोई डाउट्स ना हो। ठीक है, और जो एक्सपीरियंस है उनको तो सारा कुछ पता है, कैटेगरी
कैसे करना होता है, लेकिन फिर भी यदि वो सीखना चाह रहे हैं तो वो सीख सकते हैं। और क्योंकि हर चीज़ हर किसी के बताने का अलग तरीका होता है, हर चीज़ हर किसी का लॉजिक अलग होता है। तो यदि आप चाहते हो कि और आपकी लॉजिक मतलब बिल्डअप हो, तो जो एक्सपीरियंस है वो भी मेरी वीडियो देखकर सीख सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहोगे तो ये आर्गुमेंट इसमें भी पास कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप स्पेसिफिक अलग से ही करो। तो मैं यही कहूँगा कि भाई इसमें खिचड़ी मेरे को नहीं पकाना है, ठीक है, ताकि जो हमारे फ्रेशर्स हैं उनको समझ में ना आए, क्योंकि मैं फ्रेशर के दौर से गुजर चुका हूँ, मेरे को आइडिया है कहाँ कहाँ हम लोग स्टक हो जाते हैं। तो इसके लिए जो है ना, मैं डायरेक्ट जो है ना अलग से ही मतलब कोड लिखता हूँ, ये जो हो गया है अब आपको तो पता हो गया, अब इसको भूल जाओ, अब यहाँ से कोड अपना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ से आप ध्यान दो, यहाँ से जो मैं HH लिख रहा हूँ ना, अब यहाँ से आपकी जो है टेक्सोनॉमी गेट करने का कोड स्टार्ट हो रहा है, अब यहाँ यहाँ से फोकस करो, ठीक है। बाकी मेरी पिछली वीडियो देखोगे तो ऊपर के सारे कोड वगैरह तो आपको डाउट्स ऑटोमेटिक क्लियर हो ही जाएंगे, या हो चुके होंगे, यदि देख लियोगे तो हो चुके होंगे, नहीं देखे होगे तो देखोगे तो हो जाएंगे। ओके, तो क्या करते हैं कि गेट टर्म्स नाम का जो हमारा फंक्शन है, सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, डिस्प्ले कैट नाम से, ठीक है, डिस्प्ले कैट नाम से हमने मतलब डिस्प्ले कैटेगरी नाम से एक वेरिएबल ले लिया और इक्वल टू साइन दिया, ठीक है। इसके अंदर हम वैल्यू को असाइन करेंगे, गेट गेट टर्म्स लिखेंगे, देखें क्या है सिंटेक्स, गेट अंडरस्कोर टर्म्स होगा, हाँ ये लिखेंगे गेट अंडरस्कोर टर्म्स, गेट अंडरस्कोर टर्म्स, और उसके बाद बस इतना ही हमें काम है, कॉपी करते हैं, व्यूअर्स यहाँ रखते हैं, ओके, यहाँ पे क्लोज हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया, थोड़ा सा इसको असेंबल कर देते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे क्लोज हो गया, ये वहां पे हो गया, थोड़ा सा गैप और दे देते हैं, ओके, सेव करते हैं। तो अब यहाँ पर टेक्सनोमी लिखा है, तो टेक्सनोमी में क्या करेंगे, जो हमारी टेक्सनोमी है मारुति की, जो मैं पहले बताया हूँ वो ले लेते हैं, हमारी टेक्सनोमी क्या है, मारुति है, तो हम जो है मारुति लिख लेते हैं और यहाँ पे दे देते हैं मारुति, ठीक है, ओके। उसके बाद सेव करते हैं, सेव करने के बाद हम इसको एक बार प्रिंट आर कर देते हैं, देख रहे हैं कि हमारी जो वैल्यू जो है वो इसमें आई कि नहीं आई, फिर हम इसको लूप में यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इको लिखते हैं सबसे पहले, ताकि अच्छी फॉर्मेटिंग हो सके हमारे एरे की और हमें क्लियर दिख सके। इको लिखने के बाद जो है प्रिंट आर, हमेशा आपको पता है एरे हमेशा प्रिंट आर में लिखते हैं व्यूअर्स, प्रिंट आर, उसके बाद यहाँ पे वर्ड्स हम दे देंगे जो हमने वेरिएबल बनाया है, एरे जिसमें असाइन किया है उसका नाम दे देते हैं यहाँ पे। नेमिंग कन्वेंशन बहुत मायने रखती है व्यूअर्स, और उसके बाद सिंटेक्स आपके जो है भी मायने रखते हैं, तो सिंटेक्स का थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान दिया कीजिए, इसीलिए जो है लिखने के बजाय कॉपी पेस्ट ही कर लीजिए, लेकिन अच्छे से देख के कीजिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिलोड करता हूँ, ठीक है, जैसे मैं रिलोड करूँगा यहाँ पे, ठीक, तो हमारी जो है गेट टर्म्स एरे मारुति, हाइट
ये चल रहा है। हाय देखें, जो हमने लिखा है वो आ रहा है यहाँ पे कि नहीं आ रहा। ये कौन सा है? टेक्सोनॉमी है, HI। हमने जो कोड किया है, कई बार क्या होता है व्यूअर्स की मल्टीपल, यदि आपके फाइल फाइलें खुली रहती हैं उसमें यदि आप कोड कर देते हो और सेव करते हो तो आपको लगता है कि वो कोड सेव हो गया है, लेकिन एक्चुअली उस थीम फोल्डर में सेव नहीं हुआ रहता है। तो इसका भी विशेष तौर पे ध्यान मतलब जरूर आप लोग दीजिएगा, ठीक है, खास करके जो हमारे फ्रेशर्स भाई लोग हैं। ठीक है, तो हमने तो यहाँ कर दिया है और इसको जो है हाई चल नहीं रहा है। एक काम करते हैं, दे देते हैं WMK और एक बार सिर्फ सेव करके और देखते हैं कि हमारी WMK आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर तो WMK जो है, अच्छा WMK यहाँ पे आ गया होगा ऊपर, इससे ढक गया था। ठीक है, देखिए WMK, सबसे पहले तो हमें जो है इस टेबल को बंद करना है क्योंकि हमें टेबल में डाटा नहीं चाहिए। ठीक है, और एक एक क्या करते हैं कि एक हम डिव ले लेते हैं। ठीक है, और उस डिव के अंदर जो है हम काम करेंगे। ठीक है, तो इसको करते हैं, एक काम करते हैं, इसको कट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, कट कर लिए। कट करने के बाद जो है हम यहाँ पे इसके बाहर एक डिव ले लेते हैं। ठीक है, डिव ले लेते हैं, क्लास में कुछ भी दे देंगे। सिंपल डिव लेते हैं, छोड़िए। पहले यहां पर देखते हैं कि अभी भी ये यहां पर लिख रहा है, जबकि इसको टेबल तो हमारी यहां पे क्लोज हो जा रही है। टेबल हमारी यहाँ पे क्लोज हो जा रही है, ये हमारी कंटेनर है। अच्छा, यहाँ पे लगा हुआ है फ्लैक्स, इस वजह से ये जो है, ठीक है, इधर की लाइन में आ रही है। बाकी तो ओके ही है। TABLE टेबल यहाँ पे क्लोज हो गया है, यहाँ पे ये क्लोज हो गया है। क्लास यदि हम दे देते हैं, एक WMK कर देते हैं, फिर भी ये नीचे नहीं आएगा, ये यहीं पे आएगा। तो इसको पहले सेट करते हैं, यहाँ आ रहा है। ओके, एस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं इसको, और जो है इसको पहले व्यूअर्स थोड़े से फिक्स करके फिर से आते हैं, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसको सेट करना होता है। ठीक है, इसी तरह डिबग करके, क्योंकि यदि आप कंपनी में काम करोगे तो वहाँ पर डिजाइनर आपको मिल जाएंगे, लेकिन यदि पर्सनल काम कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको डिबग करना पड़ेगा ऐसे, तो उसके लिए थोड़ी सी एस्टिमेट वगैरह करनी पड़ती है। तो मैं थोड़ा डिबग करके फिर से आता हूँ आप लोग के पास, ठीक है, ताकि ऐसे वीडियो लंबी ना हो। ओके जी, ठीक है व्यूअर्स। तो हमने क्या किया कि इसे जो है
हमने डिबग किया तो और हमने यहाँ पर देखा कि ये फ्लैक्स की वजह से जो है मतलब वो आ रहा था। ठीक है, तो जब आप इसको सेव करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे जो है ये जो मेरी टेक्सोनॉमीज की जो डाटा है इस तरफ आएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया कि फ्लैक्स को हम हटा दिया यहाँ से। ठीक है, फिर सेव कर लिया। ये हो, ये कुछ कुछ इस थीम के साथ है, मतलब एक्स्ट्रा थीम के साथ है कुछ इशू, तो अभी फिलहाल हमने उसको कर दिया और अपना काम कंटिन्यू कर दिया। जो पहले ऊपर आ रहा था जो हमारा जो डाटा है, ठीक है, अब वो जो है नीचे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कैटेगरी रहेगी, तो हम लिख लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं। और इसमें हम लिख देते हैं कि कस्टम पोस्ट की कैटेगरी ठीक है, कस्टम पोस्ट की कैटेगरी। ओके जी, अब यहाँ पे कस्टम पोस्ट की कैटेगरी आ गई। अब इसके नीचे जो है हम अपना जो है कस्टम पोस्ट की जो कैटेगरी है उसको डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है, तो वहीं पे जाते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको, टर्म से ले लेते हैं। ठीक है, अपने वेरिएबल आप अपने मन से ले सकते हो। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। वेरिएबल जो है अपने मन से आप ले सकते हो। ठीक है, तो जो दिल करे वो वेरिएबल ले लीजिएगा, बस नेमिंग कन्वेंशन आप ध्यान दे जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ले लिया। टेक्सनोमी में जो है हमारी मारुति है, टेक्सनोमी हमारी है मारुति। ओके जी, उसके बाद सबसे पहले हम देखें कि ये इसमें कोई डाटा आ रहा है कि इन क्या हो रहा है। प्रिंट आर कर देते हैं, प्रिंट आर करके एरे को इसमें पास कर देते हैं। ठीक है, एरे को पास कर दिया और फिर जो है हम इसको रिलोड करते हैं अपने पेज को। ठीक है, कुछ इशू आ गया है, सिंटेक्स एरर आ रहा है। कौन से लाइन में सिंटेक्स एरर आ रहा है भाई? अच्छा जी, यहाँ पर हमने टर्मिनेट नहीं किया है। ठीक है, टर्मिनेशन भी बहुत ज़रूरी है। ओके, चलिए देखिए, ये सारा का सारा जो है डाटा आ गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको और खूबसूरत ढंग से जो है हम इसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो वही इको और प्री यूज कर लेते हैं। प्री क्या करता है ना कि जो आपके एरे को है ना उसकी फॉर्मेटिंग कर देता है। अभी देखिए कैसा आ रहा है। ठीक है, अभी ऐसा आ रहा है। ठीक है, जैसे ही आपने प्री लगा दिया तो आप देखिए क्या इसका आउटपुट आएगा। आउटपुट ऐसे आ रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है ना। हाँ, कि मारुति का नाम भैया ये है, स्लग इसका ये है। ठीक है, टेक्सनोमी आईडी ये है। ठीक है, मारुति, यदि कोई डिस्क्रिप्शन लिखा है तो डिस्क्रिप्शन भी आ जाती, और जितनी आपकी कैटेगरी है, एरे बाय डिफॉल्ट 0 से चलता है, आपको पता ही होगा। नहीं पता तो अभी जान लीजिए, एरो एरे जो है हमेशा 0 इंडेक्सिंग से शुरू होता है। ठीक है, 0 1 2 1 2, मतलब 0 3 है ना, तो 0 ऐसे करो ना, 0 1 2 3, 3 हमारी कैटेगरी है यहाँ पे, 3 की 3 हमारी जो है कैटेगरी यहाँ पे आ गई, डिस्प्ले हो गई। ठीक है, 3 की 3 कैटेगरी है, 0 1 2। ठीक है, तो वही बता रहा है 0 1 2। ओके जी, वेगनार कैटेगरी है और स्विफ्ट कैटेगरी है, अमारती 800 कैटेगरी है। ओके, अब क्या करेंगे कि हम जो भी अभी हमने प्लगइन का यूज किया है इसका, अब इसका यूज यूज किया, अब इसका जो है यूज करके जो हमने इमेज सेट किए हैं पहले, उनको उनको गेट करते हैं वन बाय वन। ठीक है, और इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं हम व्यूवर्स। ठीक है जी,
लो, थोड़ी इसकी फॉर्मेटिंग हो गई, ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है, और ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है, परफेक्ट। अब क्या करेंगे हम, अब जो है इसी के अंदर और हम एट्रीब्यूट पास करेंगे, ठीक है, उसका नाम होता है ऑर्डर बाई, ठीक है, तो ऑर्डर बाई नेम, ऑर्डर बाई डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर, तो ऑर्डर बाई नेम पहले लेते हैं, तो ऑर्डर बाई नेम कर दोगे ना, जैसे पहले ए बी सी चलता है वैसे चलेगा ये, ठीक है, तो पूरी सिंटेक्स ही कॉपी कर लेते हैं ये, ऑर्डर बाई आईडी भी कर सकते हैं, आईडी के हिसाब चलेगा, ठीक है, और इसको ऐसे कर लेते हैं फिर, ओके। और क्या बच्चा हमारा ऑर्डर बाई असेंडिंग और डिसेंडिंग भी है, असेंडिंग और डिसेंडिंग में भी है, ओके जी। सबसे पहले क्या करते हैं कि वही सब सारा कुछ है, एक पहले जो है इसको हटाते हैं और यहाँ पे जो है ले लेते हैं हम फोर ईच एरे यूज करते हैं, फोर ईच एरे का यूज करेंगे, ठीक है, प्रिंट कराने के लिए एरे एज ए वैल्यू, हमारा एरे ये हो गया एज ए वैल्यू दे देते हैं, ठीक है, एरे एज ए वैल्यू इसके अंदर लिखते हैं, हमारी जो है क्या है ये जहां पे ये आ रही है ये ऑब्जेक्ट है हमारा है, ठीक है, डब्ल्यू पी टर्म ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है हमारा, तो हमें जो है ऑब्जेक्ट के थ्रू डाटा गेट करना पड़ेगा इसमें, तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है व्यूअर्स कि हम जो है हमेशा ऑब्जेक्ट में एरो यूज करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट जब रहता है, यदि एरे रहता है तो ऐसे हम गेट करा लेते हैं यहाँ पे अपना कुछ भी दे के, फील्ड नेम वगैरह जो भी आता है यहाँ पे जो आता है वो दे के लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट रहता है तो हम ऐसे इसको नहीं डिस्प्ले कराते हैं, हम उसके लिए एरो का यूज करते हैं, ठीक है, और उसके बाद एरे एज ए वैल्यू, और उसके बाद हम यहाँ पे नेम पास कर देंगे, देखिए यहाँ पर भी था एरे एज ए वैल्यू, और उसके बाद यहाँ देखिए नेम हमने पास किया है, ठीक है, देख लिए, ठीक है, तो इसी तरह हम लिखते हैं, ठीक है, एरे एज ए वैल्यू, उसके बाद जो है ठीक है जो भी चाहिए फील्ड नेम, और हमें क्या चाहिए टैक्सोनॉमी हमारा जो है मारुति है, ठीक है, टैक्सोनॉमी हमारा मारुति है, ओके, और बस नेम की जरूरत है आई थिंक, और कुछ की जरूरत नहीं है, तो नेम ही काफी है, तो एक बार जो है हम जो है इसको इको करा देते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं आउटपुट क्या आती है,
ठीक है, हमारी जो है तीन की तीन कैटेगरी आ गई। ठीक है जी, अब जो है क्या करेंगे कि हम इसे जो है जैसे अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि नेम है, नेम है तो हमने यहाँ ऑर्डर बाय नेम किया है। तो आप देखोगे पहले नाम जो आया होगा वो आ जाएगा। तो ऑर्डर बाय यदि आप यहाँ पे आईडी कर दोगे, ठीक है, तो देखो क्या होता है। रिलोड कीजिए इसको, आईडी भी सेम है, DEC कर देते हैं इसकी। ऑर्डर क्या है, DES, DES होता है, DES होता है, डिस्क्रीस होता है। एक मिनट में इसको देख लेते हैं, आई थिंक हमने इसमें किया होगा, AC डी डी ई एस सी होता है, DESC। इसका मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो सबसे लास्ट एंट्री होगा वो पहले आ गया होगा। ये देखिए वैगनार आ गया पहले, कार आ गया, वे आ गया, ठीक है। और यदि आप नेम करोगे तो नेम के हिसाब से आएगा। इसके लिए इसको कर देते हैं बंद, ठीक है। अब ये जो है हमारी डाटा जो है नेम के हिसाब से आएगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो है हमें क्या करते हैं, एक जो है टेबल ले लेते हैं, ठीक है। उस टेबल के अंदर जो है हम अपने डाटा को प्रिंट प्रिंट करा देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे कर देते हैं क्लोज जी, ठीक है। और इसे भी कर देते हैं यहाँ पे ओपन, देखिए एचटीएमएल करने का सबसे ही बेहतरीन तरीका यही है कि जो ताकि आपको अच्छे समझ में आए इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये क्लोज ये हो गया आपका, ये रही यहाँ पे क्लोज हो गया। बीच में जो आपको एचटीएमएल लिखना है आप एचटीएमएल लिख सकते हो, ठीक है। बीच में जो है आप एचटीएमएल इसका लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम दे देते हैं TABLE टेबल, टेबल के अंदर दे देते हैं TD, ठीक है। और TD के अंदर ठीक है, हम देखते हैं ये आ रहा है आउटपुट। ओके, टेबल अंदर ये आ गया, ठीक है। एक टेबल, टेबल के अंदर सारा डाटा आ गया। TR नहीं लिए हैं, नहीं तो TR ले लेंगे तो एक डबल रो के अंदर आ जाएगा। TR यहाँ पे ले लेते हैं, टेबल रो, ठीक है। सेव करते हैं इसको, रिलोड करते हैं, ठीक है। ये रो नहीं ले रहा है उसकी वजह से, चलिए कोई बात नहीं। ओके, अभी हमारे हम अपने एचटीएमएल पे फोकस करते हैं, ठीक है। और सॉरी, एचटीएमएल पर नहीं, अपने कोड पे फोकस करते हैं, एचटीएमएल तो बाद में हो जाएगी। वो जो मैंने इसमें एक साथ जो नहीं आ रहा था उसमें कुछ किया हूं, तो थीम का इशू है कुछ इसमें होगा। और यदि आप लोग चाहोगे तो एक्स्ट्रा थीम को बदल के दूसरा थीम करोगे तो वहां पर रखोगे तो ये प्रॉपर वर्क से चलेगा एचटीएमएल जो मैं बता रहा हूँ। तो अभी हम अपने कोड पे फोकस करते हैं, ठीक है जी। अब हम चाहते हैं कि जो हमने जो इमेज ऐड किया है, ठीक है,
अपने मतलब उसके साथ जो हमने इमेज ऐड किया है डिसेंडिंग ऑर्डर रख देते हैं। ऑर्डर भाई जो इमेज ऐड किया है वो भी साथ में डिस्प्ले हो। तो उसके लिए क्या क्या किया गया है कि उसके लिए ये जो प्लगइन ने दिया है बताया है कि उसके लिए आपको क्या करना है, गेट टर्म आईडी, ठीक है, ये पास कर दीजिए आप उसमें। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वैल के साथ इसको ऐसे पास कर देंगे, ठीक है। और टीडी ले लेते हैं, टीडी के अंदर पीएचपी इको करा देते हैं जो हमारी डाटा है इसको, ठीक है जी। अब देखते हैं कि हमारी इमेज आ रही है कि नहीं आ रही है। इमेज क्यों नहीं आ रही है? डिबग करते हैं इसको। अच्छा, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है। तो टेक्सनोमी तो हमारा टर्म्स आ रहा होगा, आई थिंक आईडी आ रही है हमारी, टेक्सनोमी आईडी भी आ रही है, टर्म आईडी भी आ रही है हमारी 6। 1 मिनट, क्या इसमें इशू है? प्रॉब्लम व्यूअर्स ये था कि जो भी होती है, जो इमेज इमेज का मैंने ये नहीं लिया था, ठीक है, इमेज टैग नहीं लिया था, इसीलिए नहीं आ रहा था, ठीक है। यदि मैं इसको इसको मैं अंडू कर दूं, देखिए, ठीक है, ये देखिए अंडू का यही था ना हमारा। तो ये तो भैया इमेज है ना, तो इमेज के साथ जो है इमेज इमेज चाहिए। अब इमेज के अंदर रखेंगे तभी ना यहाँ पे इमेज आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भाई ये इमेज की कैटेगरी है ना, इमेज गेट तभी करेगा ना इमेज के अंदर रखेंगे, ठीक है जी। तो हमने क्या किया था कि यही कर दिया था। अब इसको जो है इसी चीज को, इस वेरिएबल को हमने इमेज के अंदर रख दिया, ठीक है। तो अब यही जो है हमारी डिस्प्ले होने लगेगी कैटेगरी की इमेज, ठीक है। ये देखिए कैटेगरी की इमेज डिस्प्ले होने लगी, ठीक है। अब जो है इस वीडियो में हमने आप लोग को बताया कि भाई कैसे जो है आप कस्टम पोस्ट टाइप की कैटेगरी को गेट करोगे, ठीक है। उसके लिए आपको क्या कोड करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। ओके, तो आपने जो है यहाँ से इसका यूज कर लिया डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, और असेंडिंग ऑर्डर भी करके देख लिया, ठीक है। यहाँ पर टेक्स्ट में पास कर दिया, फिर एक जो है एरे आपने ले लिया, ठीक है। एरे के अंदर एरे एज ए वैल्यू, यहाँ पे जो भी वेरिएबल अपने हिसाब से आप दे सकते हो। यदि आप लिखोगे गेट डिस्प्ले कैटेगरी, तो यही चीज आपको यहाँ पर पास करना होगा, ठीक है। एज ए वैल्यू, एरे एज ए वैल्यू, वैल्यू में जो भी था उसको ले लिए। और ये जो हमारी ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए हमने ऑब्जेक्ट का यूज किया यहाँ पे, एरे का मतलब एरे का इसका इसका यूज हमने नहीं किया है, ठीक है जी। ओके, और उसके बाद जो है हमने प्लगइन को यूज किया था जिससे वो इमेज गेट करेगा, तो हमने क्या किया कि इस प्लगइन का यूज किया था। और ये प्लगइन जो है हमें कोड दे रहा है कि भैया यदि आप जहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहते हो, आप यहाँ पे ये चीज रख के इसको इको करा दो, आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ये बातें ये बोल बोल रहा है प्लगइन। तो ही हमने क्या किया, इसका जो इस प्लगइन जो फंक्शन दिया था उस फंक्शन को हमने यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे
कॉपी पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे देखे होंगे कि इसने टर्म आईडी पास किया है, तो टर्म आईडी जो है हमारी, टर्म आईडी देखिए यहाँ पे मैंने रिफ्रेश नहीं किया, टर्म आईडी हमारी 6 आ रही है, इसकी टर्म आईडी जो है 5 आ रही है, यानी टर्म आईडी हमारी चल रही है। हमने क्या किया, टर्म आईडी जो हमारी ऑलरेडी आ रही है इस वैल्यू के अंदर, इस वैल के अंदर आ रही है जो हमने प्रिंट आर किया था, आपको पता होगा, ठीक है। टर्म आईडी आ रहा है और टर्म आईडी का हमारा हमें काम है, ठीक है। और ये टर्म आईडी बता रहा है यहाँ पे डॉलर लिया, वेरिएबल हमें लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि वैल्यू के अंदर आ रहा है जो हमारी जो टर्म आईडी है, यहाँ पे देखिए ये भी है सिंटेक्स, टर्म आईडी आ रहा है, ठीक है, ये हमने इसमें पास कर दिया, ठीक है। पास कर दिया, पास करने बाद एक जो है वेरिएबल में, मतलब इसकी सारी की सारी टर्म आईडी की जो भी वैल्यू है इस वेरिएबल में असाइन कर दिया और इसको इमेज एसआरसी के साथ इको करा दिया। तो इमेज एसआरसी के साथ इको करने से क्या हुआ कि हमारी इमेज जो है प्रॉपर वे से दिखने लगी, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में इस जो कस्टम पोस्ट टाइप हमने जो ये कैटेगरी बनाई है, ठीक है, अब इस कस्टम पोस्ट टाइप कैटेगरी की जो है हम मतलब कस्टम कस्टम पोस्ट टाइप की जो कैटेगरी है, जो टेक्सोनॉमी है, इसकी हम एक अलग से जो है पेज बनाएंगे मतलब कैटेगरी की, ठीक है, और इसको क्लिकबल बनाएंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हो यहाँ पे क्लिकबल नहीं है, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो ये इस मतलब कैटेगरी के रिलेटेड जो है पोस्ट पे चली जाएगी वैल्यू, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो यार मेरी वीडियो डिटेल में होती है और लंबी वीडियो होती है, ताकि मैं ना हर एक चीज आप लोग को छोटी छोटी बातें क्लियर करता हूँ, तो इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी लंबी बनती है। और वेबसाइट मेकर किंग का एक ही एम है कि मतलब सभी लोगों को कोडिंग आना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड से बिलोंग करे, ठीक है। तो चाहे वो टेक्निकल हो या अनटेक्निकल हो, जो भी हो, यदि मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखेगा उसकी सारी की सारी डाउट्स क्लियर हो जाएगी, यही वेबसाइट मेकर किंग का एम है। तो इसीलिए हमारी वीडियो लंबी हो जाती है व्यूअर्स, तो शुरू से लेकर अंत तक देखा कीजिए, कुछ लर्निंग ही आपको मिलता है हमारे वीडियो से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मैं जो हूँ आप लोग को बताऊंगा कि कैसे जो है मतलब इसके आगे का पार्ट बताऊंगा, कैसे हम इसको क्लिकबल करेंगे, कैसे हम इस टेक्सोनॉमी का स्पेसिफिक कैटेगरी पेज बनाएंगे, सारा कुछ जो है हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो बस आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम टेक्सोनॉमी गेट वगैरह करते हैं, ये गेट टर्म्स क्या होता है, ठीक है, इसके अंदर की क्या क्या पैरामीटर्स होती हैं, सारा कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, और इमेज कैटेगरी को कैसे हम डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है। तो बस इसी तरह एक बार इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, कोडिंग करते रहिए, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। जहाँ भी कोई दिक्कत परेशानी है तो हमें कमेंट कीजिए, मैं हेल्प करने के लिए हूँ, नहीं तो आप डायरेक्ट वेबसाइट मेकर किंग @gmail.com पे डायरेक्ट ईमेल आप कर सकते हैं हमें, ठीक है। और मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंटों का भी इंतजार रहता है, तो प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी, हैव अ ग्रेट डे, बाय।